नमस्कार, ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो आज है हमारे सबसे ज्यादा चहेते सुपरस्टार अक्षय कुमार जी का जन्मदिन। तो उनका जन्मदिन तो खास हर साल होता ही है, लेकिन जो एक सबसे कमाल की बात है, या हर किसी की एक कोई ना कोई उनकी फिल्मों से जुड़ी कोई ना कोई एक मेमोरी रही होगी, वो ज़रूर आप कमेंट में मुझे शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है सार्थक हो जाएगा। तो यहाँ हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उनकी फिल्मोग्राफी की बातें नहीं करेंगे। उनकी तमाम सफल असफल फिल्मों में तो बहुत बातें होती आई हैं, लेकिन यहाँ कोशिश करेंगे शेयर करने की अपनी अपनी मेमोरीज। जैसे मेरी मेमोरीज जो श्रीमान अक्षय कुमार के फिल्मों को देख के बनी है, या जो रिश्ता बना है जो एक दर्शक और एक अभिनेता के बीच में, वो कैसे डेवलप हुआ है। तो ड्यूरिंग द 90s मुझे याद है कि बहुत सी फिल्में हम लोग VHS टेप्स पे देखा करते थे, जिसमें कुछ जैकी चैन की फिल्में होती थी, कुछ ब्रूस लीज की फिल्में होती थी, कुछ 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन, ऐसी तमाम फिल्में होती थी। और फिर वो फिल्में भी होती थी जो मसाला फिल्में होती थी, भारतीय फिल्में होती थी, जिसमें एक्शन जो था बहुत ही एवरेज दर्जे का होता था। तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला बिंब जो स्ट्राइक हुआ उनका, वो उनकी पहली जो रिलीज काइंड ऑफ ए फिल्म थी, वो थी खिलाड़ी। और उस खिलाड़ी में जो उन्होंने जो फाइट की थी, उससे तो बिंब बना ही था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा याद रह गई उनके बारे में, वो क्या याद रह गई, कुछ समय पहले की, ड्यूरिंग 90s की आपको बात बता रहा हूँ। मैं कोई फिल्म देख रहा था अपने घर वालों के साथ, जिसमें चाचा थे, चाची थी, सब लोग थे, और वो फिल्म थी और उसमें फाइट थी, बहुत ही एवरेज हिंदुस्तानी फाइट, पीछे से वही किस्म की बातें हैं, डिशुम डिशुम ये सब हो रहा था। एंड कट टू कुछ समय बीतता है और उसके बाद एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सैफ अली खान और अक्षय कुमार। उसमें एक फाइटिंग सीन है, जिसमें इंट्रोडक्शन सीन है, जहाँ पे बतौर पुलिस इंस्पेक्टर वो आते हैं और धुनाई करते हैं। तो उस फिल्म के साथ मेरा जो बिंब बना अक्षय कुमार की इमेज के साथ, जो पहला बड़ा बिंब मेरे दिमाग में बना, वो ये बना कि जब वो उस फिल्म को हम देख रहे थे, तो मेरे चाचा ने एक कमेंट किया जो आज तक मैं नहीं भूला हूँ। और एग्जैक्टली मुझे याद है उन्होंने क्या कहा। तो पुरानी जो हमने फिल्में देखती थी उसमें बहुत ही एवरेज एक्शन था, और इस फिल्म में उन्होंने देख के कहा कि फाइट फाइट इसे कहते हैं। तो जिस कमाल की उन्होंने जो फाइट उस फिल्म में की थी, जिस तरह से उनकी जो किक्स थी एंड पंचेस थे, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा रिफाइन, जिसे कहते हैं भारतीय सिनेमा में फाइट का जो स्तर है उसको लेके गया। फाइट मास्टर्स फाइट करते थे, स्टंटमैन फाइट करते थे, लेकिन बतौर अभिनेता इतना रिस्क लेके खुद से फाइट करने का जो जिगरा अक्षय कुमार ने दिखाया, वो शायद ही किसी और अभिनेता ने दिखाया हो। तो ये एक बड़ा आर्क बना उनके बारे में, उनकी उस एक्शन प्रधान फिल्मों को देखकर। फिर उनकी तमाम एक्शन प्रधान फिल्में आई। एक फिल्म थी जिस पे बहुत ही कम चर्चा हुई है, वो फिल्म थी अशांत। बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं थी। आप देखिएगा उसमें एक लास्ट में एक फाइट सीन आता है जिसमें पुनीत इस्सर हैं, अक्षय कुमार हैं, दोनों के बीच में कमाल की फाइट है। कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं उस फिल्म में, उसमें भी बहुत अव्वल दर्जे की फाइट थी। तो बतौर जिसे कहते हैं एक्शन स्टार वो आ गए थे, ये तो उन्होंने बता दिया था। फिर एक फिल्म आती है और जो सबका दिल जीत लेती है, और उस फिल्म का नाम था हेरा फेरी। तो उसमें जिस नए किस्म की डायलॉग डिलीवरी उन्होंने की, वो आपको याद होगा वो डायलॉग, कह रहे बाबू भैया आलू पक गए आके खा लो जिसमें वो परेश रावल को कहते हैं और उनको ज़बरदस्ती घर के अंदर ले जाते हैं। तो वो जो उनका रिश्ता बना प्रियदर्शन के साथ, मुझे ऐसा लगता है प्रियदर्शन और उनका जो कॉम्बिनेशन था, वो सिर्फ प्रियदर्शन से रिश्ता नहीं बना, बल्कि एक नया रिश्ता बना आम भारतीय दर्शक के साथ भी, जो अब तक देखता आया था उनकी फिल्मों को बतौर एक्शन फिल्में, या बीच बीच में कुछ कुछ रोमांटिक फिल्में आती थी, उसने उनको देखा बतौर एक कॉमेडी स्टार के तौर पे। फिर तो एक तरह से झड़ी लग गई बहुत सी सक्सेसफुल फिल्मों की। भूल भुलैया जिसमें से एक है, जिसमें से मेरी जो फेवरेट फिल्म है, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर आप फैन हैं और आप जानते हैं, तो गोविंदा अक्षय कुमार परेश रावल, जिसमें गाना भी है वो सिग्नल प्यार का सिग्नल, वो बहुत ही, उस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था बेहद हिलेरियस फर्स्ट हाफ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस स्तर पे कॉमेडी करना, एक्शन करना, या रिस्क लेना, जो भारतीय सिनेमा में वर्सटाइल एक्टर होने की बात हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी की। सबसे कमाल की बात, जो भी सुपरस्टार अभिनेता होता है ना, वो टाइपकास्ट हो जाता है किसी ना किसी चीज़ में
उसे टाइपकास्ट कर दिया जाता। जैसे अगर कोई ट्रेजेडी किंग था तो ट्रेजेडी किंग बन के रह गया, कोई एंग्री यंग मैन था तो एंग्री यंग मैन बन के रह गया, कोई रोमांस का बादशाह था तो रोमांस का बादशाह बन के रह गया, कोई अगर बिंदास भाई था तो बिंदास भाई आज तक बन के रह गया। लेकिन अक्षय कुमार के साथ सबसे कमाल की बात जो लगी वो ये लगी, वो किसी खांचे में नहीं बंधे, वो एक्सपेरिमेंट करते चले गए। कुछ बेहद सफल हुए, हाल फिलहाल में कुछ एक्सपेरिमेंट बेहद असफल भी हुए, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो बंद नहीं हुआ। तो ये बतौर अभिनेता भूख भी बताती है, ये बतौर अभिनेता एक तरह से प्रोग्रेस भी बताती है। हालांकि हम्बल वो इतने हैं, अपने इंटरव्यूज में हमेशा वो कहते रहते हैं कि मैं एक बेहद साधारण एक्टर हूँ और काफ़ी सारे एक्टर्स को बहुत ज़्यादा सम्मान भी देते हैं, एक आम आदमी की तरह बात करते हैं, इंटेलिजेंट लगने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगती है। तो बतौर अ लाइकेबल स्टार, अगर इंडिया का कोई सुपरस्टार मैं कहूँगा कोई है तो वो है अक्षय कुमार। तो उनकी बहुत सी फिल्में हैं, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है ज़रूर बताइएगा। मेरी बहुत सारी फिल्में हैं उनकी जो मेरी फेवरेट हैं, या यूँ कहूँगा कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा मनोरंजन प्रदान किया है मुझे। तो जो वो जो एक फिल्म थी जिसमें रोड रोलर लेके वो, और वो मैं जानबूझ के नाम नहीं बता रहा हूँ काफ़ी सारी फिल्मों के, क्योंकि अगर आप हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से संवाद बनेगा जिसमें वो हैं, जॉनी लीवर हैं, और वो जॉनी लीवर का एक फेमस डायलॉग अभी ठीक करके देता हूँ, तो वो प्रियदर्शन के साथ जो तिकड़ी है उनकी, उनकी जो धर्मेश दर्शन और उस बैनर के साथ जो तिकड़ी बनी थी जिसमें बहुत सी इमोशनल सोशल ड्रामा किस्म की फिल्में भी आई थी, तो उसने एक कमाल वर्सटाइल आर्क क्रिएट किया। मुझे ऐसा लगता है अब एक बड़ा ट्रांजिशनल फेज है उनके साथ, जैसे उम्र भी बड़ी है और जैसे तजुर्बा भी बढ़ा है, कुछ और नए नए प्रोजेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। राम सेतु हमको देखने को मिलेगी, इसके अलावा और भी फिल्में जो लाइंड अप हैं, जैसे ओ माय गॉड पार्ट 2 लाइंड अप है, वो भी हमें देखने को मिलेगी। और उम्मीद यही है कि वो फिल्में भी वैसी ही बेहतर फिल्में होंगी जैसे कि फिल्में वो करते आए हैं। जॉली LLB 2 भी एक फिल्म थे जिसमें उनका जो किरदार है वो बतौर आम आदमी मस्खरा लॉयर वो जो बनने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से सफल हो जाते हैं उस किरदार में ढलने के। नहीं तो जिस सुदर्शन रूप के वो हैं, जैसी कदकाठी उनकी है, एकदम हीरोइक पर्सनालिटी जैसी लगती हैं, चाहे तो सिर्फ एक्शन फिल्में करें लेकिन कोई भी मौका नहीं छोड़ते किसी अच्छे रोल को करने का। तो ये मेरी बात है, ये मेरे अपने इमोशन है श्रीमान अक्षय कुमार की फिल्मों को देख के जो बने, एक समझ जो बनी है उनकी फिल्मों को देख के। आपके इमोशन क्या हैं, आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी हैं? मैं जानता हूँ बहुत सी फिल्में हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया, जैसे मोहरा है या और भी बहुत सारी फिल्में हैं, या कॉमेडी में वेलकम है, तो आप ज़रूर बताएं। सिंग इज किंग है, जो जो मुझे एक ग्लिम्सेस में याद आ रहा है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो आप भी वो फिल्में बताएं। और कोशिश ये करें कि वो फिल्में ज़्यादा बताएं जो ड्यूरिंग 90s आई थी, क्योंकि उसके बाद तो एक जनरेशन बड़ी हुई है वो जानती ही है, लेकिन काफ़ी सारे हमारे यंग दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अर्ली 90s की जो फिल्में हैं वो शायद कम देखी हैं या नहीं देखी है। तो ये है रिव्यू कॉर्नर, मैं हूं तुषार उप्रेती। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अच्छी अच्छी बातें कैसे करेंगे, और आप तक कैसे ये मैसेज पहुंचेगा कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अपनी राय ज़रूर बताएं, इंतज़ार रहेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप कैसे पसंद करते हैं, या किस अवतार में आप देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में श्रीमान अक्षय कुमार को। तो सभी की ओर से, मैं आप सब की ओर से भी इनिशिएटिव ले रहा हूं, और अपनी ओर से भी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।